नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुरू के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल बोले, कोरोना के समय नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं चलो थाली बजाओ, वहां थाली बज रही है। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी, क्योंकि हम गरीबों, किसानों और मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दी। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप ने 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो अडानी की जेब में डालते हैं, हम आपकी जेब में डालते हैं। ओपीएस से 5 लाख परिवार को फ़ायदा हुआ है। हमने 3600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं, 309 नए कॉलेज और 9 नई यूनिवर्सिटी खोली है। बीजेपी के नेता कहते हैं, भाइयों बहनों हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। किसी भी बीजेपी नेता से पूछो कि आपके बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, तो बताएंगे हमारे बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कॉल सेंटर और आईटी सेक्टर में काम ना करें, विदेशों में नौकरी ना करें, खेती ही करते रहें। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। बड़ा सपना देखना है, बिजनेस खोलना है, इंटरनेट पर काम करना है, विदेश जाना है, तो अंग्रेजी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। चुनाव में हमने 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुने। महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे, गरीब लोगों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर, 15 लाख रुपये इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजों में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी कर्मचारियों के लिए लीगल गारंटी ओपीएस, यानी ओपीएस को कानून बना देंगे। गांव के लोगों के लिए 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदेंगे। हमारे यहाँ गरीबों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जीएसटी लागू किए, पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जहाँ भी देखो अडानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़कें उनकी, तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। ये अडानी जी की मदद करते हैं, अडानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे का विदेश में इस्तेमाल करते हैं। हम किसानों मजदूरों की जेब में पैसा डालते हैं। किसान गाँव में पैसा खर्च करेगा, शहर में पैसा खर्च करेगा, छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा, इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है और सबको फायदा मिलता है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।